जाए और ये हमारी ज़िम्मेदारी बन गई है कि उनका पैगाम आप तक पहुँचाएँ। और उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उनको और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं रजीम चेंज का, जो उनकी हुकूमत गिराई गई उसके ऊपर जो एहतजाज है, अगर इसको बंद कर दें। उन्होंने जो उनको ऑफ़र दिया मैं आज आपको उसका बताना चाहती हूँ, जो खान साहब ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ़र ये दी थी कि अगर आप एहतजाज बंद करोगे तो उसके बदले में आपको जब हुकूमत आएगी आपको 2/3 या दो तिहाई आपको मेजॉरिटी दी जाएगी और आप अपनी हुकूमत बना सकोगे। और अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो आपकी पार्टी को 30 सीटों के ऊपर महदूद कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चीज़ें मान लोगे तो आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम आपको हुकूमत बनाने देंगे। उसके जवाब में खान साहब कहते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि शुक्र करो कि तुम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह में और सवाए अल्लाह के मैं किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने उनकी इस वजह से ना मैं किसी की ग़ुलामी, एक आज़ाद मुल्क में पैदा होने की वजह से मैं किसी की ग़ुलामी कबूल करने से मैं बिल्कुल इनकारी हूँ। और इससे बेहतर है कि मौत बेहतर है इससे कि हम किसी की ग़ुलामी एक आज़ाद मुल्क में कबूल करें। ये उनका पैगाम था, मैंने आप तक पहुँचा दिया। ये बताएँ कि खान साहब की आपसे अंदर मुलाकात हुई है, ठीक है, सारे केसेस के हवाले से भी जाहिर सी बात है आप डेली आती हैं और कैसा इस सारा को देख रही हैं और ख़ान साहब ने क्या टिकटों के हवाले से या बाकी जो है वो अगर कुछ जो हैं लोग वो ओपन ट्रायल तो हो नहीं रहा, ठीक है, हम मखसूस नाम अंदर जा रहे हैं, इस हवाले से आपका बाकी क्या कहना है? देखिए रोज़ एक केस हो रहा होता है खान साहब का ओपन ट्रायल में। मेरे ख्याल अब 3-4 सहाफ़ियों को तो इजाज़त मिलती है आने की अंदर और हम उम्मीद करते हैं कि वो सहाफ़ी आके अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों को उनका पैगाम जो होता है वो दे देते होंगे। ओपन ट्रायल तो उन्होंने आपको पता है कि जेल के अंदर ओपन ट्रायल नहीं है, ना केसेस के अंदर कोई दम है। एक दिन अगर ये केसेस खोल दें आप लोगों के सामने आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल बेमानी केसेस हैं और सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए एक बेल होती है, अगला केस वहीं जज साहब अगले दूसरे कमरे में आके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा देते हैं या उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। कल यही हुआ, एक तरफ बेल होने का चांस हो गया, दूसरी तरफ उनके ऊपर आ गया मुकदमे आ गए। और कुछ तो नहीं है आपको सवाल? थैंक यू जी।